इस नीले आसमान के नीचे बसी ये हमारी दुनिया और यहां बसे हम सब, जो अपनी अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं। ये मेरा शहर, जिसकी सुबह मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुवाणी से शुरू है। लेकिन मेरी सुबह मेरी कहानी शायद इस आहट से शुरू होती है जिसे मैं इस पल सुन रही थी। मुझे जब से होश आया है मैंने एक सच अच्छी तरह समझा है कि कुदरत के बनाए हुए इस दुनिया में कोई एक जैसा नहीं होता। हर किसी की अपनी एक पहचान होती है, एक वजूद होता है जिससे आप जाने जाते हैं, जिससे दुनिया आपको पहचानती है। सांस लेना ही केवल जिंदगी नहीं है, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी, पर मेरे लिए केवल सांस लेना ही जिंदगी थी। ये मेरे बाबा हैं, बाबा पानी। अरे जाओ यहां से। जी नहीं, इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया है, पर जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उन्होंने मुझे इनके हाथ सौंप दिया। क्यों सौंप दिया ये मैं आज तक नहीं जान पाई। दुनिया में कहीं प्यार नहीं है, ये भ्रम मुझे मेरी मां के पास आकर टूटता नजर आया, क्योंकि मुझे उनसे हमेशा ही प्यार मिला। ये जो छोटी सी बच्ची है ये मेरी बहन है। कहने को तो हम दोनों एक ही छत के नीचे
साथ साथ रहते थे, लेकिन हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क था। उसके हाथ में कलम तो मेरे हाथ में बैसाखी थी। वो पढ़ रही थी और मैं उस ख्वाहिश के साथ केवल जी रही थी। फिर अचानक न जाने कौन सी शक्ति ने काम किया और मेरे अपने माँ बाबा मुझे लेने आए। परिधी, पर इनसे अलग होना एक मुश्किल पल था। पर मेरी ख्वाहिशों ने नए तार बुनने शुरू कर दिए थे और मैं चली आई। उस घर को छोड़ मैं अब इस घर में अपने माँ बाबा के पास आ गई थी। उफ, कितना टाइम लगेगा तुम्हें, जल्दी आओ। उम्मीदें तो मुझे इस घर से बहुत थी। अपने माँ बाबा के लिए तो मैं जैसे एक बोझ बन गई थी, क्योंकि उम्मीद तो मैंने इस घर से थोड़े से प्यार की ही की थी, मगर कुछ नहीं मिला। लेकिन उस रात मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। इससे कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है क्या? और धीरे धीरे उनके जोर बढ़ते ही चले गए। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मेरी राह इतनी मुश्किल हो रही है। जा रहे हैं, आने से पहले कपड़े और बर्तन साफ हो जाने चाहिए। और मेरा एक सवाल कि आखिर मेरा दुश्मन कौन है? भगवान, समाज या मैं खुद? जाओ चाय बना कर लेकर आओ। तुम्हारे पैर काम नहीं करते, हाथ बराबर कहा दिन में कैसे रहती हो? कुछ काम करना नहीं है? कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। जाओ चाय बना कर लेकर आओ। तुम्हारे पैर काम नहीं करते।
कदम अब दोबारा उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगे। मेरे बाबा का करम है, मिस्किन बाबा का करम है, ये तो बाबा का करम है, मिस्किन बाबा का करम है, ये तो बाबा का करम है। संवर गई है यकीनन गुलाम की, हाँ यकीनन गुलाम की, हाँ यकीनन गुलाम की, हालत संवर गई है यकीनन गुलाम की, बांधी है जब से पगड़ी मिस्किन शाह के नाम की, ये तो बाबा का करम है, मेरे बाबा का करम है, मिस्किन बाबा का करम है, ये तो बाबा का करम है, मिस्किन बाबा का करम है, ये तो बाबा का करम है। क्यों न जाऊं मैं बाबा की शान पर, अपने बाबा की शान पर, मिस्किन बाबा की शान पर, कुर्बान क्यों न जाऊं मैं बाबा की शान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर, ये तो बाबा का करम है, मेरे बाबा का करम है, मिस्किन बाबा का करम है, ये तो बाबा का करम है, मिस्किन बाबा का करम है, ये तो बाबा का करम है। आंख खुलते ही मेरी आंखें जिन चेहरों को ढूंढना चाह रही थी वो तो मिले नहीं, लेकिन जो मिले उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जाने कहां से मेरे बैसाखी ने आने वाली खुशियों की आहट को सुन लिया था कि इसने भी तेज चलना शुरू कर दिया। एक अनजानी सी राह में ना कोई है मेरा ना कोई था। खुशियों ने दबे पाँव आने की आदत सी डाल ली थी। ना कोई है मेरा ना कोई था, एक हौसला ही साथ है और साथ रहेगा, एक हौसला ही साथ है और साथ रहेगा। सूखे पत्तों की तरह हर बार झड़ा फिर हो के खड़ा ये कहने लगा। जहां पहले हर परेशानियां
बिन बुलाए चली आती थी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक एक कर इस आग की लपटों में चलने वाली हो। जिंदगी कुछ बाकी यकीन बस चलने लगी, मैं उड़ चला उस गगन में बिना पंखों के, उड़ चला मैं उड़ चला उस गगन में बिना पंखों के, उड़ चला मैं उड़ चला। मैम, इसने तो मुझे होश मिला दिया। चलो मैं तुम्हें क्लासरूम दिखाती हूँ। सूखे पत्तों की तरह हर बार झड़ा, फिर हो के खड़ा ये कहने लगा मैं जिंदा हूँ। मगर असल में होश में तो इस जमाने को आना होगा जो इस नीले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी की गाड़ी इतनी तेजी से चला रहे हैं कि हम जैसे लोगों के लिए कभी कभी रास्ते नहीं बचते। मैं जिंदा हूँ अभी, मेरी ये जिंदगी। हो सकता है मेरी बैसाखी की आहट धीरे से आती हो, लेकिन यकीन मानिए मैं धीरे से चलना नहीं चाहती, और इसमें मुझे आपकी आह की नहीं बल्कि आपके साथ की जरूरत है। और मेरा ये सवाल कि मेरा दुश्मन कौन है से बदलकर ये हो जाए कि मेरा दोस्त कौन है। भगवान, समाज, या मैं खुद।